हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओवेरियन रिजर्व के बारे में। ये रिजर्व क्या होता है, इसके लिए क्या जांचें की जाती हैं और ये प्रेगनेंसी को किस तरीके से दर्शाता है कि हमारे अंदर प्रेगनेंसी की क्या कैपेसिटी है। ओवेरियन रिजर्व मतलब हमारे अंदर जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो एग्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी लगने की क्या संभावना है। ओवेरियन रिजर्व जो नंबर ऑफ एग्स हैं महिला के अंदर उस समय अवेलेबल, उसके टेस्ट को कहा जाता है। इसको देखने के लिए हम जो है महिला का ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको एएमएच यानी एंटीम्युलेरियन हार्मोन कहते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। ये जो हार्मोन होता है वो हमारे अंडाशय के प्राइमोर्डियल फॉलिकल से रिलीज़ होता है। ये एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारे अंदर प्रजनन शक्ति कितनी है। अगर इसकी वैल्यू 1.5 से नीचे है तो इसे लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। यदि ये 2 से 3, 3.5 तक ये इसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर इससे भी ऊपर है तो इसे पीसीओडी की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे कि हमें पता चलता है। और भी टेस्ट हैं जैसे ईस्ट्रोजन लेवल, इनहिबिन लेवल और बहुत सारे और टेस्ट किए जाते हैं, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एएमएच होता है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड द्वारा भी पता कर सकते हैं एक महिला का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। और अल्ट्रासाउंड में देखे जाने वाले जो टेस्ट होते हैं उसको कहा जाता है एएफसी यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। इसमें हम महावारी के दूसरे दिन महिला का अल्ट्रासाउंड करके उसके नंबर ऑफ एग्स को जांच करते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के कहा जाता है। अगर ये रिजर्व 5 से ऊपर है और 12 से कम है तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। 5 से कम है तो इसे लो ओवेरियन रिजर्व और 12 से ज़्यादा है तो इसे हाई ओवेरियन रिजर्व यानी पीसीओडी की कैटेगरी में रखा जाता है। ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी कितनी पॉसिबल है एक महिला के अंदर, और यही डिसाइड करती है कि हम किस ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ये वैल्यू नॉर्मल रेंज में है तो हम मेडिसिंस के इस्तेमाल द्वारा भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये रिजर्व ज़्यादा है तो हमें इस बात का डर होता है कि शायद उस महिला के अंदर एनओविलेटरी साइकिल होगी यानी सिस्टिक टेंडेंसी होगी और अंडे समय से मैच्योर नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम ओविलेशन के लिए कुछ मेडिसिंस देते हैं। और यदि ये रिजर्व 5 से भी कम है या फिर एएमएच लो साइड में है तो उस सिचुएशन में हम महिला को टेस्ट बेबी के बारे में जानकारी देते हैं या फिर एग फ्रीजिंग के बारे में उस महिला को समझाया जाता है। धन्यवाद।